हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, बहुत दिनों के बाद तकरीबन तीन महीने के बाद आज फिर से मैं अपना यूट्यूब चैनल पर आया हूँ आप लोगों को एक शानदार ब्लॉग देने के लिए। तो गाइस, बीच में बहुत ही ज़्यादा मैंने गैप कर दिया और इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और बीच में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, शायद शॉर्ट वीडियो। तो गाइस, आज तीन महीने के बाद फिर से मैं एक वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ 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 गाइस, आप लोग सपोर्ट कीजिए, इस भाई को आगे तक लेकर जाइए। और गाइस, चलिए आज मैं आप लोगों को दुर्गा पूजा मंडप के ओर लेके जाता। हाय गाइस, मैं अभी हूँ पूजा मंडप के अंदर। और गाइस, मेरे गांव में हाल सर दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाया जाता है और मेरे गांव के मेन फेस्टिवल है दुर्गा पूजा। हम लोग बहुत ही अच्छे से दुर्गा पूजा मनाते हैं। और गाइस, मैं अभी जहाँ पर हूँ ये मेरे, तो गाइस मैं पूजा मंडप के अंदर हूँ। पीछे मंदिर है दुर्गा देवी का और आज प्रतिमा लाए जाएंगे हमारे गांव में। तो गाइस, मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ पूजा मंडप के ओर और आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि दुर्गा पूजा का जो प्रिपरेशन चलता है हमारे गाँव में, और हमारी गाँव में जो प्रिपरेशन है आप लोगों को अच्छे से दिखाऊँगा। तो यार क्या बताऊँ, इस साल कुछ नियम असम सरकार द्वारा बनाया गया है, कुछ नियम है, 10 नियम है, मुझे अच्छे से पता नहीं है। बस मुझे इतना पता है कि पूजा मंडप के आसपास कुछ भी अल्कोहलिक चीज़ें नहीं बिकना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी का भी फैसिलिटी होना चाहिए, CCTV का फैसिलिटी भी होना चाहिए। और बाइक का कुछ इशू वगैरह है, मुझे इतना अच्छे से पता नहीं, लेकिन गाइस जितना भी मुझे पता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और आप लोगों का अगर अधिक जानकारी चाहिए इसके बारे में, असम सरकार क्यों ऐसा कर रहा है या ऐसा रूल बना रहा है, तो प्लीज़ आप लोग न्यूज़ देखिए, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर अवेलेबल है ये सब वीडियो। तो गाइस, आप लोगों को दिखाऊंगा बाहर से भी हूँ कि हमारा पूजा मंडप जो है हमारा गांव का कैसे सजाया गया है, कैसे बनाया गया है, मैं दिखाऊंगा। और बाहर का भी व्यू दिखाऊंगा। एक बात बताना चाहूँगा कि हर साल दुर्गा पूजा में पर्दे में सिनेमा दिखाया जाता है हमारे गांव में। और गाइस, इस साल क्या होगा पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा। तो गाइस, बाहर का व्यू तो दिखाऊंगा ही, आज अंदर का व्यू थोड़ा सा देख लीजिए। एक भाई साहब है जो अपना काम कर रहे हैं और पूजा अंदर का जो व्यू है कुछ इस तरह का है, देख सकते हो आप लोग। ये जो बनाया गया है, सजाया गया है, बहुत ही शानदार लग रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और यूनिक भी लग रहा है। और उसके बाद अंदर तो कुछ इस तरह का सजावट है, अभी तक शायद यहाँ पर कुछ लगाया नहीं गया है, बाद में लगाएगा शायद, इतना मालूम नहीं है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि मंडप का पेंडल का जो काम होता है वो कंप्लीट हो चुका है और जो मिस्त्री वगैरह था मंडप सजाने का, वो मिस्त्री चला गया। तो अभी तो गाइस, ये आप लोग देख सकते हो येलो और रेड एंड वाइट है कलर इसका, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि सबसे अच्छा इस बार लग रहा है जो मंडप है, सबसे अच्छा लग रहा है इस बार, क्योंकि कुछ डिज़ाइन वगैरह है, कुछ कार्टून का कुछ डिज़ाइन बनाया गया है बहुत ही शानदार तरीके से, और मुझे अच्छा भी लग रहा है, बहुत ही अच्छा है, पिछले बार से तो बहुत ही अच्छा है। क्या बताऊँ आप लोगों को, एंटर में देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कुछ डिज़ाइन लगा हुआ है, डिज़ाइन बनाया गया है। और इंटर के गेट में दो फ्लावर जो होता है उसको लगाया गया है, और साइड में भी फ्लावर है, उस साइड में भी है, उसे क्या कहता है मुझे पता नहीं, कुछ झूमर टाइप का है फ्लावर, और कुछ कार्टून वगैरह कुछ आर्ट करके वहाँ पर लगाया गया है। और ओम का सिंबल आप लोग देख रहे हो रेड के बीच में, वो भी मुझे अच्छा लग रहा है, कुछ हद तक बहुत ही अच्छा और सुंदर मुझे दिख रहा है। तो आप लोग कैसा लगेगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। अभी मैं आप लोगों को दुकान वगैरह जो बनाया जा रहा है उसके उसका व्यू देता हूँ, आसपास के जो व्यू है, जो नज़ारा है, उसका भी व्यू दूंगा। तो चलिए देख लीजिए। और उस साइड दुकान वगैरह कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा मेला होता है गाइस। और गाइस, हर साल यहाँ पर एक बड़ा पर्दा लगाया जाता है और सिनेमा वगैरह चलता है।
तो गाइस इस साल होगा या नहीं, यही कंफ्यूज लगा हुआ है हमारे गांव के लोगों, गांव के लोगों में कंफ्यूज है कि आज इस साल होगा कि नहीं। कि पिछले साल मेला नहीं हुआ था क्योंकि छोटे से मेला हुआ था रोड के बाहर में और इतना भीड़ भाड़ भी नहीं था, लेकिन इस साल कुछ अच्छा होगा मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन दिन में अच्छा लगेगा, रात में क्या होगा, अगर फिल्म चलेगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे गांव में बागान एरिया में जो टी गार्डन विलेज है, फिल्म वगैरह हम लोग छोटे से देखते आ रहे हैं दुर्गा पूजा में। अगर नहीं होती, अगर अभी इस साल नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और ये बच्चे लोग देख सकते हो, सब लोग हमारे पीछे ही आ रहा है और ये लोग सोच रहे हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है। तो गाइस अभी हम घर जाएंगे क्योंकि मैंने चाय पिया नहीं, सुबह ही आ गया था। तो देख सकते हो ये दुकान वगैरह बन रहा है और आज तो दुकान वगैरह बनकर कंप्लीट हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा कल से, तो कल ही मिलेंगे आप। ये सब लोग देख रहा है कि ये बंदा क्या कर रहा है, की कर रही है। इन लोगों को पता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं किसे कहना वीडियो बना सी तो ये लोग बता रहा है कि दुर्गा पूजा के लिए ये वीडियो बन रहा है, लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं है कि YouTube पे ये वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो ये छोटा सा चिल्लर पट्टी है, बहुत ही प्यारा है और शायद ये लोग कुछ बोलना चाहते हैं। कौन बोल भी बोले थे तो गाइस अभी मैं घर जाऊंगा और गाइस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूंगा और कल से एक नया अच्छा ब्लॉग आप लोगों को दूंगा, क्योंकि दुर्गा पूजा का जो भी ब्लॉग होता है मैं आप लोगों को दूंगा, जो भी होता है एक्टिविटीज़ हमारे गांव में सब आप लोगों को कल ही देखने मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।